भीष्म को जब काशी नरेश की तीन कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबिलेखा के स्वयंवर का निमंत्रण मिला तो वह अपने साथ विचित्रवीर को लेके गए थे। विचित्रवीर जो कि शांतनु के पौत्र थे। कन्याओं का स्वयंवर चल रहा था तो वहाँ पर भीष्म ने अपना बल का प्रयोग करते हुए तीनों राज कन्याओं को अपने रथ में बैठा कर ले आए। अम्बा ने भीष्म से निवेदन किया, हे भीष्म, मैं मन से सालवराज को अपना पति मानती हूँ। तो भीष्म ने दया दया दिखाते हुए उसे मुक्त कर दिया। ले और अंबिका एवं अंबलिका का विवाह विचित्र व्यवस्था से करवा दिया। जब अम्बा सालवराज के पास पहुंची तो सालवराज ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उसे बोला कि तुझे तो भीष्म उठा के ले गया था, मैं तेरे से कैसे विवाह कर सकता हूँ। इससे अम्बा का मन काफ़ी दुखी हुआ और उसने भीष्म से बदला लेने का वर प्राप्त किया। आगे चलकर यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी और भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी, जो हम आगे जानेंगे। विचित्रवीर से अंबिका को धृतराष्ट्र और अंबलिका को पांडु नामक दो पुत्र पैदा हुए। विचित्रवीर की मृत्यु के बाद पांडु को राजगद्दी पर बिठाया, क्योंकि धृतराष्ट्र थे जो कि जन्म से अंधे थे। भीष्म ने अंबिका की एक दासी के पुत्र विदुर का भी लालन पालन राजकुमारों की तरह किया था। यही दासी पुत्र आगे जाके विदुर के नाम से हुए फेमस और धर्मनीति के बड़े पंडित हुए। अब यहाँ पे धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। गांधारी धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन हुआ और पुत्री का नाम दुशला था, जिसका विवाह जयद्रथ से हुआ था। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से युयुत्सु नामक पुत्र पैदा हुआ था। पांडवों का विवाह सूरसेन की कन्या प्रथा से हुआ था। प्रथा जो कि कुंती के नाम से भी जानी जाती है, वो श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे एक ऐसा मंत्र बताया कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। तो जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो कुंती ने उस मंत्र का प्रयोग करने के लिए या उसकी परीक्षा लेने के लिए सूर्य का आह्वान किया। उस सूर्य की कृपा से बिना शादी के उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब लोकलाज के भय से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। कौरवों के साथी अधीरथ नाम के जिस साथी थे, उन्होंने उस बालक को गंगा से उठाया और उसका पालन पोषण किया। ये बालक आगे जाके सारथी पुत्र कहलाया, सूत पुत्र कहलाया, उसका नाम हुआ कर्ण। जी हाँ, कर्ण। अब कुंती के पांडु से तीन पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तीनों सखे भाई थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से उन्हें नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र हुए। इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। वन विहार करते समय पांडु की मृत्यु हो गई और उनकी रानी माद्री उन्हीं की चिता के साथ सती हो गई। कुंती ने ही उन पांचों पुत्रों का लालन पोषण किया, तो इसीलिए कुंती के आज पांच पुत्र कहलाते हैं। तो आज हमें जाना कि किस प्रकार से शिखंडी पैदा हुए, किस प्रकार से सुतपुत्र कर्ण क्यों कहलाए, सारथी पुत्र क्यों कहलाए और किस प्रकार से पांडु के दो पत्नियां थी, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन सगे भाई हैं, वो दूसरी पत्नी के माँ के नकुल और सहदेव भाई हुए। दुर्योधन के 101 भाई थे, क्योंकि एक भाई और भी था। कैसी लगी महाभारत की कथा, हम इस कड़ी को जारी रखेंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।